जीवन में आपके ये सुख समृद्धि कैसे रहे, ये कुछ हैं रेगुलर हैबिट्स, ये कुछ हैं जिससे आप अपने जीवन में रेगुलरली यूज़ कर सकते हैं। ये मेरी 5 टिप्स, आदत बना दीजिए, ज़्यादा खर्च नहीं होगा, लेकिन आपको अपनी लाइफ में नेगेटिविटी की प्रॉब्लम्स या ईविल एनर्जीज या बैड एनर्जीज, अक्सर आपको लगता है ना कुछ लोग ईर्ष्या से भरे होते हैं या उनको मिल के ही आपको बड़ा भारीपन महसूस होता है, कुछ लोग उन्हें आपके साथ कुछ गलत किया या नज़र लग गई, ये सारी चीज़ों से जो बचाव कैसे करें और आपके लाइफ में अबंडेंस भी रहे, जुड़े रहिए। हाय एवरीवन, दिस इज जया करमचंदानी, वेलकम टू इनविंसिबल पैशन टॉक शो, जहां हर हफ्ते में आपसे आप अपने जीवन को बेहतर कैसे बनाएं, जीवन में बदलाव वो कैसे आए कि जो प्रॉब्लम है या स्ट्रगल है या संघर्ष है वो दूर कैसे हो। इससे पहले शेयर करूं, हिट द सब्सक्राइब बटन ताकि एपिसोड जो हर हफ्ते रिलीज करती हूं आप तक पहुंच सके। आज ये हैं मेरी 5 ट्रिप्स टू अट्रैक्ट अबंडेंस, कि जीवन में आप अबंडेंस यानी समृद्धि को, खुशियों को अपने जीवन में कैसे आकर्षित करें। पहली टिप, घर में जो नेगेटिविटी होती है बहुत चीज़ों से हो सकती है, या तो व्यक्ति बहुत समय से बीमार है, प्रॉब्लम चल रही है सेहत की, मनी की प्रॉब्लम है, या लड़ाई झगड़े होते हैं, या जॉब में इश्यूज हैं, लोग एक दूसरे को समझते नहीं हैं, या लोगों को आपसे ईर्ष्या है और आपको बड़ी जल्दी नज़र लग जाती है या बीमारी नहीं जा रही है। तो एक आदत बना लीजिए, महीने में 2 दफ़ा, सो वंस इन 2 वीक्स यानी 2 हफ्ते में 1 दफ़ा, जब भी घर में मॉपिंग हो उसमें सॉल्ट वाटर डलाइए, यानी वो नमक जो खड़ा नमक हो, नमक के बड़े बड़े टुकड़े हो, कोई भी नमक हो, पोछे के पानी में मॉपिंग वाटर में डलवाइए और मॉप करिए, नहीं तो खुद मॉप करिए। क्या होता है, नमक में इतनी पोटेंसी होती है कि जीवन की नेगेटिविटी दूर करती है। इसी वजह से लोग जब बच्चों की भी नज़र उतारते हैं तो नमक का इस्तेमाल करते हैं। तो जब आप अपने घर में नमक का पोछा लगाते हैं तो आप अपने पूरे घर को क्लेंस कर रहे हैं, किससे, काफ़ी समय से बीमारी है या घर में डेथ हो गई या काफ़ी समय से प्रॉब्लम जा रही है, जो अचानक से कोई बात हो गई जो आपको समझ ही नहीं आया कैसे हुई, पूरे घर में नमक के पानी का मॉपिंग करिए। अब अगर आपका घर में कारपेट है तो जिस रूम में आप मॉपिंग कर सकते हैं, किचन का एरिया है या हार्डवुड फ्लोर है तो उसमें मॉप हो सकता है, मॉपिंग कराएंगे आप। दूसरी चीज़ कि जैसे पहले होता था ना कि घर में, नए घर में प्रवेश होता है तो गृह प्रवेश के समय हवन होता है, या घर में बच्चे पैदा हुए या एनिवर्सरी है या बच्चों का जन्मदिन है तो कुछ ना कुछ हवन कराया जाता था, और नहीं तो साल में एक बार हवन होता था। समय बदलने के साथ ना किसी के पास समय है और वो बड़ा लंबे समय तक हवन होता है, लोग बैठ नहीं सकते, या तो घुटनों में दर्द है या टाइम नहीं है और शायद हवन करने वाले सही नहीं मिलते, वट एवर बी द रीज़न, पर हवन का रीज़न ये होता था। वही लाइफ में इम्बैलेंस होते हैं, प्रॉब्लम है, बीमारी है, डेथ हो गई है, जॉब चला गया है, शादी नहीं हो पा रही है या शादी के बाद प्रॉब्लम आ गई, बच्चे नहीं हो पा रहे, खटपट रहती है, आए दिन झगड़े होते हैं, एक्सीडेंट, कुछ भी है या गड़बड़ी हो रही है लाइफ में, हवन कराने से जो चैंटिंग होती है, उच्चारण होता है मंत्रों का, एक ध्वनि उत्पन्न होती है, वो ध्वनि आपके पूरे घर के माहौल को क्लेंस करती है, वो नेगेटिविटी को, प्रॉब्लम वाली एनर्जी को दूर करती है। और जब अग्नि जलती है, अग्नि से उत्पन्न होने वाला धुआं होता है तो आपके घर की पूरी एनर्जी को साफ करता है। अब कुछ लोगों को एलर्जी होती है हवन कराने से भी, जो उसमें सामग्री होती है उससे, समय के साथ टाइम नहीं है, पर ये हैबिट है मेरी। तो जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं वाइट सेज, सफ़ेद रंग का होता है, इसका लिंक मैं आपके साथ डिस्क्रिप्शन में शेयर कर रही हूँ, इसे आप साल में एक बार ज़रूर, नहीं तो 6 महीने में एक बार अपना क्लेंजिंग, इसे आप शॉर्ट फॉर्म ऑफ हवन मान सकते हैं। आप कैसे करें, स्टील की कढ़ाई, मिट्टी की कढ़ाई या लोहे की कढ़ाई, आइडियली मिट्टी की या कुछ ऐसी हो जिससे आपका हाथ नहीं जले। करना क्या है, आप कैलेंडर पे डेट डालिए कि साल में 2 दफ़ा करना है, और कब करें, आइडियली अमावस्या का दिन हो सकता है या पूर्णिमा का दिन हो सकता है,
तारीख निकालिए, साल में 6 महीने, ये कब करना है? सुबह उठ के आपने ज्वेलरी वगैरह खास नहीं पहनी हो, जस्ट बी सिंपल, एक कटोरे में लोहे का है या मिट्टी का है या जो भी है घड़ा है, उसमें ये सेज जलाया। अब इतना बड़ा मत लीजिए, आपको एक हाथ से वो कटोरा पकड़ना है जिसे आप जलाएंगे, वाइट सेज सफ़ेद रंग की, उसमें से धुआं निकलेगा जैसे हवन सामग्री का, और दूसरे हाथ में लीजिए बेल, जो पूजा में यूज़ करते हैं, अगर नहीं करते हैं तो भी आप खरीद सकते हैं, क्योंकि जब वो बेल बजती है उसकी जो ध्वनि होती है, जैसे मंत्रों का उच्चारण होता है तो ध्वनि से क्लेंजिंग होती है, तो बेल की ध्वनि से होगी और सेज का धुआं। अब आप क्या करें, घर के मुख्य दरवाजे पे खड़े हो जाइए। अब यहाँ आप में से क्वेश्चन हो सकते हैं, मैं नहीं कर सकता, मुझे धुएं से एलर्जी है, मैं अपने घर में सेवादारी हूँ उनसे करा लूँ? अब देखिए, घर आपका, प्रॉब्लम आपकी, सिर दर्द आपको, डॉक्टर दवाई सेवादारी को दे दे। अब ऐसे होता तो लाइन लग चुकी होती, बीमारी किसी को, सर्जरी किसी की करा ले। अब आई लेट यू बी, जिनका घर है उन्हीं को करना है। तो एक हाथ में पकड़े ये स्टील का छोटा सा कटोरा, हाथ ना जले। अब इसके लिए मिट्टी का यूजुअली इज बेस्ट। क्या होता है कि आपने सेज ली है, थोड़ी सी जलाई, थोड़ी सी। अब एक हाथ में, लेफ्ट हैंड में लीजिए ये कटोरी और राइट हैंड में लीजिए बेल, घर के मुख्य दरवाजे पे खड़े होइए, लेफ्ट हैंड से शुरू करिए, यानी घर में जाना, घर के हर कमरे के कोने में घूमिए, बेल बजाते हुए जाइए, मन से और मुंह से बोलिए, आई एम क्लेंजिंग द हाउस एंड अट्रैक्टिंग अबंडेंस, मैं घर में ये शुद्धिकरण कर रही हूँ और समृद्धि के आने के लिए, आई एम क्लेंजिंग द हाउस एंड अट्रैक्टिंग अबंडेंस, मन में बोलते जाइए। एक हाथ में कटोरी में सेज है, दूसरे हाथ में बेल है, बजाते हुए। टेक यू टाइम, डिपेंडिंग कितना बड़ा घर है तो घर के हर कमरे में जाइए। अब आइडियली जब ये करना होता है, कोशिश करिए घर में और लोग ना हो, या बच्चे ना सो रहे हो, हस्बैंड ना सो रहा हो, इन लॉज ना सो रहे हो, अब सबको घर से बाहर नहीं निकाल सकते। अब देखिए, जब हस्बैंड जॉब पे गए हों, बच्चे स्कूल गए हों, और अगर सुबह में नहीं कर सकते दोपहर में कर सकते हैं तब भी चलेगा, रात में नहीं करना है, सनसेट के बाद नहीं करना है। कटोरी में लीजिए, घर में खड़े होकर मुख्य दरवाजे से अपने लेफ्ट हैंड से शुरू करिए, पूरे घर का दौरा लगाइए, हर कमरे हर कोने का, वापस मुख्य दरवाजे पर आइए, घर के बाहर ये रख दीजिए जिसमें आपने सेज जलाया है, जब वो बुझ जाए तो उसकी जो राख होती है एक पैकेट में ले लीजिए, जब ठंडा हो जाए और उसे कचरे के डब्बे में डाल दीजिए, बाहर रख दिया आपने, उसको 2-3 घंटे लगेंगे बुझने में, आप वापस घर के अंदर आइए, बेल को रखिए जहाँ पूजा स्थान पे, आप नहा लीजिए। अब आपने क्या किया, ये करने से अपने पूरे घर को क्लेंस करा और ब्लेस करा, कि घर में जो भी नेगेटिविटी थी या ईविल एनर्जीज थी, किसी की नज़र लग गई, अक्सर लोग कहते हैं तंत्र है, ब्लैक मैजिक है, कुछ भी है, आपने घर को क्लेंस करा, नेगेटिविटी दूर करी, एंड यू इनवाइटेड अबंडेंस। तीसरी चीज़ क्या करें, मैंने वीडियो शेयर कर रखा है विजन बोर्ड का, कि आप विजन बोर्ड बनाएं। विजन बोर्ड क्या है, जो आपको रोज़ दिखता है आपके मन की इच्छा, कि किस लाइफ, इस लाइफ में किस एरिया में आपको क्या चाहिए, परिवार ऐसा, घर ऐसा, मकान, शादी, रिश्ते, बच्चे, उस वीडियो का भी लिंक शेयर कर रही हूँ। चौथी चीज़ क्या करें, ज़्यादा खर्चा नहीं होना, साल में आप 12 बार, पूर्णिमा आती है, फुल मून, हर महीने कर सकते हैं, 6 महीने में 2 बार कर सकते हैं, आपकी जो श्रद्धा हो। क्या करें, जिस दिन फुल मून हो, रात को एक स्टील की कटोरी में या शीशे की कटोरी में, शीशे के ग्लास में पानी भर के बाहर रख दीजिए, पूरी रात बाहर वो फुल मून, जो चंद्रमा की रोशनी जब उस पानी पर पड़ती है तो उसको कहते हैं मून चार्ज्ड वाटर, वो पानी में बहुत एनर्जी आती है, सारी रात उस पानी को बाहर रखिए, अगले दिन सुबह आप वो पानी को घर में स्प्रिंकल करिए। इररिस्पेक्टिव फीमेल्स पीरियड्स में हैं नहीं हैं, कुछ भी है आप कर सकते हो, पानी के ग्लास वो आपने पूरी रात पूर्णिमा वाले दिन बाहर रखा, मून की रोशनी उस पर पड़ी, अगले दिन सुबह नहाने के बाद आपने पूरे घर में हर कोने में जाके उसको स्प्रिंकल करिए, छींटे मारिए, क्या होता है, इट क्लिनजेस, इट रिचार्जेस आपके घर की एनर्जी को। एंड हियर इज द फिफ्थ वन, जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये नीले रंग का इन्फिनिटी सिंबल, इस सिंबल के अंदर भी मैंने बहुत सारे अबंडेंस के कोड्स लिखे हैं। अब ये इमेज जो आप, ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल देख रहे हैं, वहाँ पे जाएंगे तो ये इमेज आपको मिलेगी, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं,
और नहीं तो हाथ से बना लें। अगर आपने स्क्रीनशॉट लिया, क्योंकि इसमें ऑलरेडी बहुत कोट्स डाले हुए हैं, इसको आप सफ़ेद रंग पे ही प्रिंट करें जैसा कि है, वाइट कलर पे प्रिंट करके अपने वॉलेट में रख लें, और नहीं तो पर्स में उस एरिया में रखें जिसे आप रोज़ाना खोलते नहीं। अगर ये फट जाए तो इसे कचरे में डाल दें, फिर दोबारा प्रिंट करके आप कर सकते हैं। अब क्यों करना? वेल, बीमार होता है व्यक्ति, या बाहर से खेत कूद के भी आता है तो स्मेल आती है, तो बच्चे को कहा जाता है भाई जाके नहा ले। घर में अगर नेगेटिविटी है, क्लेंस करने से ऐसा ही हुआ, सफाई करी, शुद्धिकरण हो गया, सबकी सेहत ठीक हो गई, लाइफ में जो ब्लॉक था, स्ट्रगल था, वो दूर हो रहा है। और अगर आप बीमार रहे थे, नहीं कर सकते हैं, हस्बैंड से कराएं, नहीं तो बच्चों से कराएं, घर का व्यक्ति करें। उम्मीद करती हूँ एपिसोड आपको पसंद आया, शेयर ज़रूर करिएगा कि आज आपको इसमें से मेरी फेवरेट टिप कौन सी लगी। मिलती हूँ आपसे, टेक केयर।